अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्यौहार आएगा तो वो यही कहेंगी कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं। सच दज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया, और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया। और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में इशांत की एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइज, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइज, आपको एमएसडी की स्पिरिट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।